नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ साझा कर रहा हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संस्मरण, प्रेमचंद जी बड़े बड़े बहुत बड़े हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जिनके बारे में हिंदी के विद्वान ही नहीं आम पाठक आम लोग भी उनके साहित्य से वाकिफ हैं। हिंदी में ही नहीं बल्कि हिंदी से बाहर भारतीय भाषाओं के पाठक और विश्व के पाठक भी प्रेमचंद की रचनाओं से अच्छी तरह से परिचित हैं और उनकी रचनाओं के प्रशंसक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने ये संस्मरण लिखा, स्वयं हिंदी के एक बहुत बड़े रचनाकार जिनके उपन्यास, जिनकी कविताएं और जिनके लेखों ने अपने समय में हिंदी साहित्य को एक दिशा प्रदान की थी। निराला, जो वास्तव में ही निराला थे, उनका प्रेमचंद के साथ आखिरी दिनों में कई मुलाकातें हुई और 1936 में 1 अक्टूबर को भारत में उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की कुछ अंतिम झलकियां पेश की। तो प्रस्तुत है दोस्तों, प्रेमचंद जी बड़े बड़े बहुत बड़े हैं और लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी के युगांतर साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रत्न, अंतरप्रांतीय ख्याति के हिंदी के प्रथम साहित्यिक, प्रतिकूल परिस्थितियों से निर्भीक वीर की तरह लड़ने वाले, उपन्यास संसार के एक छत्र सम्राट, रचना प्रतियोगिता में विश्व के अधिक से अधिक लिखने वाले मनीषियों के समकक्ष, आदरणीय श्रीमान प्रेमचंद जी आज महाव्याधि से ग्रस्त होकर शय्याशायी हो रहे हैं। कितने दुख की बात है। हिंदी के जिन पत्रों में हम राजनीतिक नेताओं के मामूली बुखार का तापमान प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं, उनमें श्री प्रेमचंद जी की, हिंदी का महान उपकार करने वाले प्रेमचंद की अवस्था की साप्ताहिक खबर भी हमें पढ़ने को नहीं मिलती। दुख नहीं, यह लज्जा की बात है। हिंदी भाषियों के लिए मर जाने की बात है। उन्होंने अपने साहित्यिकों की ऐसी दशा नहीं होने दी कि वे हंसते हुए जीते और आशीर्वाद देते हुए मरते। इसी अभिशाप के कारण हिंदी महारानी होकर अपनी प्रांतीय सखियों की भी दासी हैं। मैं जब बाबू राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्र के समादृत नेताओं को देखता हूँ और साथ साथ मुझे श्री प्रेमचंद जी की याद आती है, मेरा हृदय आनंद और भक्ति से पूर्ण हो जाता है। मैं देखता हूँ राजनीति के सामने साहित्य का सर नहीं झुका, बल्कि और ऊंचा है, केवल देखने वाले नहीं हैं। हिंदी भाषी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वे यह भी जानते होंगे मेरे कानों में डंके की आवाज़ कम जाती है। जिस साधना से आदमी आदमी है, जिसके कारण नेता सम्मान पाते, मैं उसी की जाँच करता हूँ। वहाँ प्रेमचंद जी, दरिद्र प्रेमचंद जी, अपने अध्य व्यवसाय से शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रेमचंद जी, साहित्य की साधना में यहाँ वहाँ भटकते फिरने वाले प्रेमचंद जी, फिर भी एक निष्ठ होकर दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष साधना करते रहने वाले प्रेमचंद जी बड़े बड़े बहुत बड़े हैं। इस बार प्राय 3.5 महीने मैं बनारस रहा। प्रेमचंद जी के सरस्वती प्रेस में मेरी गीतिका छप रही थी, प्रकाशक भारती भंडार। एक दिन पंडित वाचस्पति पाठक, जिनका मैं अतिथि था, बोले, प्रेमचंद जी से मिल लीजिए। उस समय प्राय 30 जून दोपहर की लू चलती थी। प्रेमचंद जी के नाम से मैंने चलना स्वीकार कर लिया। प्रेस पहुंचकर 2 मंजिले पर चलकर देखा, प्रेमचंद जी बैठे हैं। मैं उनके परिवार भर से परिचित था। श्रीमती शिवरानी जी भी आई। मैंने प्रणाम किया, फिर एक गिलास पानी मांगा। बहुत दिनों बाद प्रेमचंद जी को देखा था, मालूम होता था वे और दुबले हो गए हैं। उनसे कहा, उन्होंने कहा, जैसा कहा करते हैं, नहीं, यह तो मेरी काठी है। कुछ देर तक साहित्यिक बातचीत हुई, फिर मैं विदा हुआ। उस दुर्बल देह में शक्ति और ओज पूर्ण मात्रा में थे। कुछ दिन बीत गए, प्रेमचंद जी के गोदान की काफ़ी चर्चा हो रही थी। एक दिन सुना, प्रसाद जी प्रेमचंद जी से मिलने गए थे, वे सख्त बीमार हैं। फिर सुना,
प्रेमचंद जी एक्सरे कराने के लिए लखनऊ गए हैं। फिर मालूम हुआ वे लखनऊ से वापस आ गए हैं। एक दिन पंडित नंद दुलारे जी वाजपेयी के साथ उन्हें देखने गया। वे उसी कमरे में बैठे हुए थे, पर इस बार फर्श पर न थे, बिछे पलंग पर बैठे हुए थे। श्रीमती शिवरानी देवी उनके लिए दवा तैयार कर रही थी। उनकी लड़की अपने लड़कों को लेकर आ गई थी, एक और खड़ी थी। मुझे देखकर नमस्ते किया। मैं प्रेमचंद जी की बीमारी की चिंता में था, कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाथ उठाकर नमस्कार किया। वह खड़ी हंस रही थी। मेरी दृष्टि की स्याही उसके मुख पर पड़ी। उसके मुख पर मुझे झाई सी दिखी। अगर नीचे उसके अत्यंत सुंदर बड़े लड़के को खेलते हुए मैंने न देखा होता, उसका परिचय मालूम कर उसे डरवा न चुका होता, तो पहचान न पाता कि यह लड़की है। फिर भी मैंने प्रेमचंद जी से पूछा। लड़की ने लड़की की खुली आवाज से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने तो आपको पहचान लिया। मैंने कहा, मुझ में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, पर तुम पहले लड़की थी, अब माँ हो गई हो। लड़की झेप गई। प्रेमचंद जी खुलकर हंसे। देवी शिवरानी जी दवा तैयार करती हुई मुस्कुराई। प्रेमचंद जी दुर्बल थे, जलोदर का पूरा प्रकोप था, फिर भी एक वीर की तरह बैठे हुए वार्तालाप करते रहे। बड़ी जिंदा दिली सुनने वालों पर उसका असर पड़ता हुआ, जैसे सुनने वालों को ही वे स्वास्थ्य पहुंचा रहे हों। मैं उस विजयिनी ध्वनि को तोल रहा था, जिसका सर नीचा नहीं हुआ, जो हिंदी की महाशक्ति है, जो रह रहकर दुर्बल अस्थिशेष प्रेमचंद जी को देख रहा था। दूसरे प्रसंग पर पूछा, आप लखनऊ गए थे, वहाँ क्या कहा डॉक्टरों ने? कुछ नहीं, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कहा कुछ नहीं, ठहरने के लिए कहा, पर कुछ डिसेंट्री की शिकायत मालूम दी। प्रदेश देखभाल करने वाला कोई नहीं, लड़के को ले गया था, कौन तीमारदारी करे, लौट आया। वाजपेयी जी से लेख आदि के लिए प्रेमचंद जी ने कहा। कुछ देर तक बातचीत करके फिर हम लोगों ने उनसे विदा ली। कुछ दिन और बीते, गीतिका छप चुकी थी, अंतिम दो एक फार्म थे, मैं प्रेस गया हुआ था। प्रेमचंद जी के बड़े लड़के मिले। प्रेस की आवश्यक बातें कहकर मैंने उनसे प्रेमचंद जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, अब तो वह यहाँ नहीं रहते। मुझे उनका मुकाम बतलाया। मेरे रास्ते में ही मकान पड़ता था, मैं चला। बादल घिरे थे, चलते चलते पानी गिरने लगा, छाता नहीं था, भीगते हुए आनंद आने लगा। मकान के पास आकर अनिश्चय में पड़ गया कि कौन सा मकान होगा। फाटक बतलाया था, यहाँ फाटक ना दिखा, एक दरवाज़ा सिर्फ देख पड़ा। डरते हुए खोला, भीतर लंबा मैदान देखा, किनारे से रास्ता गया था, मैदान के उस तरफ मकान था, कोई था नहीं जिनसे पूछता। हिम्मत बांधकर बढ़ा, किनारे चमेली के झाड़, कहीं कहीं अपराजिता लिपटी हुई, दोनों खिले। चमेली के रात के खिले कोमल फूल बूंदों के थपेड़ों से व्याकुल थे। देखता हुआ एक फूल छुआ, फूल वक्ष पर रखे थे, उठा लिया। लिए हुए उनकी दशा पर विचार करता हुआ मकान के सामने आया। दूर से दो एक अपरिचित देवियां देख पड़ी, एक जोड़ी छोटे जूते पड़े थे। सोचा, ये उसी लड़की के लड़के के जूते होंगे। एक बगल चिक पड़ी हुई देख पड़ी, उधर चला, तब तक शिवरानी जी देख पड़ी। उनसे पूछा, क्षीण स्वर से उन्होंने कहा, सोए हैं, जाइए। मैं गया, देखा प्रेमचंद जी अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, पेट फूला हुआ है। प्रेमचंद जी ने आंखें खोली, मुझे देखा, बड़ी करुण दृष्टि। मैंने प्रणाम किया, पूछा, आप कैसे हैं? दोनों बाहों की ओर दृष्टि फेरकर उन्होंने कहा, देखिए, बड़ा करुण स्वर, अत्यंत दुर्बल बाहें। मुझे शंका हो चली, सिंह को गोली भरपूर लग गई है, अब वह आवाज़ नहीं रही। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। कैसे संभलेगा, प्रेमचंद जी बोले। उन्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही थी, मैं भरसक अपने को संभाल रहा था, मेरे हाथ का फूल वहीं छूटकर गिर गया। उस दिन और बीते,
नंद दुलारे जी के हाथ एक गीत मैंने हंस कार्यालय को भेज दिया। बड़ी कविता लिख रहा था, वह तैयार न हुई थी, फिर भेजने के लिए कहला भेजा। नंद दुलारे जी अपना लेख लेकर जाने वाले थे प्रेमचंद जी को देखने के उद्देश्य से। इसके कुछ दिन बाद वाचस्पति जी पाठक और पद्य नारायण जी आचार्य के साथ काशी छोड़ने से पहले प्रेमचंद जी के दर्शनों के लिए चला। पद्य नारायण जी गीता धर्म के संपादक हैं, अभी तक प्रेमचंद जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हो सके। मैथिली मान के लिए उनकी कुछ आज्ञा है। हम लोग इक्के से चले। रास्ते भर गुप्त जी के अभिनंदन की बात होती रही। मुझे बार बार प्रेमचंद जी की याद आती रही। गुप्त जी को आदर की दृष्टि से देखता हूँ, उसके अनेक प्रमाण दे चुका हूँ। सोच रहा था, प्रेमचंद जी को ना तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, ना कोई अभिनंदन। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी नहीं चुने गए। मन ने कहा, तुम्हारे लिए भी यही फैसला है, जिसने जैसा दिया वैसा पाया। मैंने कहा, मैं इसी तरह गुजरूंगा, अगर कुछ काम कर सका तो नाम यश मुझे नहीं चाहिए। अब तक प्रेमचंद जी का मकान आ गया। हम लोग इक्के से उतरकर भीतर चले। मकान के सामने पहुंचे तो दो नव आगंतुक बैठे देख पड़े, पर ऐसे बैठे थे जैसे घर के आदमी हों। मैंने सोचा, ये भैयाचार होंगे या रिश्तेदार। साथियों के साथ भीतर गया, सन्नाटा था। बड़ी धीमी आवाज में एक आगंतुक ने कहा, बैठिए। मैं चप्पल उतारकर चारपाई पर बैठ गया। इधर उधर देखा, पहचान का कोई न देख पड़ा। तब उन्हीं महाशय से कहा, हम लोग प्रेमचंद जी को देखने के लिए आए हैं। नव आगंतुक ने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बतलाया। इस समय देवी शिवरानी बाहर आई। प्रेमचंद जी वहीं चारपाई पर थे। रस्सी बांधकर पर्दा कर रखा गया था। पर्दा हटाने लगी। मैं प्रेमचंद जी के सामने वाली चारपाई की ओर बढ़ा तो आगंतुक महोदय ने कहा, ज्यादा बातचीत मना है। मैं अपने लक्ष्य पर चलकर बैठ गया। देखते ही मेरे होश उड़ गए। प्रेमचंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब तो अंतिम विदा है। दोस्तों, ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक मार्मिक संस्मरण, जो प्रेमचंद के अंतिम दिनों की अवस्था को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हिंदी के लेखकों की अंतिम क्षण बहुत ही दर्द भरा, चाहे प्रेमचंद हों, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, चाहे मुक्तिबोध हों या फिर स्वयं निराला हों, अनेक हिंदी के लेखक इसी तरह की मौत का शिकार हुए। हिंदी का समाज अपने लेखकों को, अपने संस्कृति कर्मियों को किस तरह से पोषित करता है, कैसे उनके प्रति क्रूर होता है, ये उसका एक नमूना है। निराला जी ने ठीक ही कहा, दुख नहीं, यह लज्जा की बात है, हिंदी भाषियों के लिए मर जाने की बात है। उन्होंने अपने साहित्यिकों की ऐसी दशा नहीं होने दी कि वे हंसते हुए जीते और आशीर्वाद देते हुए मरते। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये संस्मरण पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और संस्मरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।